तो भाइयों खुशी आपके लिए फिर ढूंढ लाया हूँ। दिवाली से ठीक पहले मैं लेके आया हूँ 2020 i20 के बेस वेरिएंट, जिसे आप मैग्ना के नाम से जानते हैं, इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड। आपको बता दूं जिसकी कीमत है, क्योंकि पेट्रोल मैग्ना के साथ खड़ा हूँ, जिसकी कीमत है 6,79,900 रुपये है। जब आप डीजल में इसे खरीदेंगे तो इसकी कीमत है 8,19,900 रुपये। और आपको बताने वाला हूँ क्यों आपकी दिवाली ये रोशन कर देगी, क्योंकि इस बेस वेरिएंट में वो सब कुछ है जो आपको कई बार मिलता था पहले टॉप वेरिएंट में। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों जब तक आप अपनी गाड़ी को बेचोगे नहीं, तब तक कैसे खरीदोगे इस नई i20 को। तो अगर आप नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं और घर में पड़ी है पुरानी कार, तो फटाक से उसे बेच डालिए। जाइए Cars24 पर, नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, उसे फॉलो करिए, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करिए। RC ट्रांसफर की सुविधा Cars24 निःशुल्क प्रदान करती है। तो फटाक से गाड़ी बेचिए और इस i20 को खरीदिए, या जो मन कर रहा है वो खरीदिए। बात चाहे कंपनियों की हो या फिर समाज की, अगर एक जैसा व्यवहार किया जाता है तो बहुत मजा आता है। तो अगर आप 6,79,000 रुपये इस गाड़ी को खरीदेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ इसका व्यवहार i20 में जो आपको टॉप वेरियंट में मिलता है, कुछ इसमें देखने को मिलने वाला है। आपको जो चीज़ें नहीं मिलेगी वो भी बताऊंगा, जो मिल रही वो भी बताऊंगा, लेकिन आपको इसको देख कर पता चल रहा होगा कि पहले अंदाज में, पहले लुक में ये गाड़ी टॉप से कहीं भी कम नजर नहीं आएगी। बदलाव क्या मिलेगा? टॉप में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प पूरा का पूरा मिल जाता है, इसमें आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलेगा, अच्छी सी अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। और यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में फॉग लैंप हाउसिंग मिलती है और प्रोजेक्टर फॉग लैंप मिल जाते हैं। यहाँ पर LED DRL दे दिया गया है। इतनी सारी चीज़ें हो गई और यहाँ पर आपको वही सब कुछ मिल जाता है जो आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है। ये आप देख सकते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश में, और इसका ग्रिल भी वही मिलेगा जो आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है। तो एक अच्छे अंदाज में छुओगे ना तो बहुत मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा इसे दिखाने में कि भैया मेरे पास i20 है, जिसमें एक प्रीमियम अंदाज इसके बेस में ही दे दिया गया है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, तो फ्रंट से आप डिसअपॉइंट नहीं करोगे। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इस 2020 i20 के साइड प्रोफाइल की, जो इसका बेस वेरिएंट है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा चेंज नहीं मिलने वाला है, सब कुछ वैसे ही मिलेगा जो आपको टॉप में मिलता है। लेकिन जो बदलाव दिखेगा, यहां पर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाता है दोनों, और इसमें आपका ORVM जब आप इसे बंद करोगे तो ये बंद नहीं होने वाला है, तो ये डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। स्पोर्ट्स में भी आपको मिल जाता है कि आपके रिमोट की से ही वो एक्सेस हो जाता है, लेकिन इसमें एक्सेस नहीं होता है, आपको अंदर से बैठ के खोलना बंद करना पड़ेगा। और क्या मिलेगा यहाँ पर जब आप देखेंगे ध्यान से, तो ये बदलाव मिलेगा, ये अब आपको 15 इंच का मिल जाता है, जिसका पूरा प्रोफाइल है वो बता देता हूँ। इसका प्रोफाइल है 185/65R15 का, और ये पूरा स्टील रिम है, और इसके साथ में आपको ये कवर मिल जाएगा जो कि खूबसूरती इसमें जोड़ जाता है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ मिल जाए तो और क्या चाहिए एक गाड़ी में। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो मिस हो जाता है, तो जो पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पर मिलता था, बॉडी का प्रोटेक्टर जो लगा था, वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो सिंपल आपको यही कलर मिल जाता है, ये वाइट कलर में है, और कितने कलर्स में आती है मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा, देख लीजिएगा। और यहाँ पर क्रोम की जो आपको फिनिशिंग मिलती थी दो वेरिएंट में, स्पोर्ट्स में दिखाया था और इसके आस्टा ऑप्शनल में दिखाया था, तो वो यहाँ पर मिसिंग मिलेगी। लेकिन इसमें और सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ORVM आपको अपने आप खोलना बंद करना पड़ेगा, तो इसके लिए तैयार रहेगा। और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, और ये सारी चीज़ें मिलाकर इस वेरिएंट को बना देती हैं थोड़ा सा ऊँचा, और आपको ज़्यादा बुरा नहीं लगने वाला है कि आपके पास बेस वेरिएंट है जब आप ऐसा कहोगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसके रियर हिस्से की, और यहाँ पर भी आपको स्पॉइलर मिल जाएगा पियानो ब्लैक फिनिश वाला, और रूफ रेल भी मिल जाता है, लेकिन इसमें शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा, तो नॉर्मल एंटीना यहाँ पर मिलने वाला है। और यहाँ पर स्टॉप माउंट लैंप दे दिया गया है, ज़रूरत पड़ती है जब पीछे आपकी विजिबिलिटी दिखा देता है जब आप आगे ब्रेक करते हैं। और ये टेल लैंप जेट शेप्ड वही आपको इसमें दिया गया है जो आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है, और ये यहाँ पर i20 दिखा दिया गया है। तो एक खूबसूरत अंदाज में यहाँ से शुरू होता हुआ एक दूसरे को जोड़ के रखता है, मतलब एक दूसरे का ध्यान रखता है। i20 की बैजिंग मिल जाएगी, और इस बेस वेरिएंट में आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 1-2 यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें पार्किंग कैमरा नहीं मिलने वाला है, उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि भैया आप टॉप वेरिएंट से आधी से भी ज़्यादा कम कीमत पे कर रहे हो इस गाड़ी के लिए। और मैं खोल के दिखा देता हूँ इसका बूट, और जब मैं बूट खोलूँगा तो इसके लिए पहले चाबी से गाड़ी अनलॉक कर देते हैं। और ये रहा इसका बूट, और जब बूट की बात करें तो आपको बता दूं यहाँ पर ठीक ठाक आपको सामान रखने की जगह मिल जाएगी, और अगर सिर्फ बैठने वाले ज़्यादा लोग ना हो तो आप इसको यहाँ से फोल्ड भी कर सकते हैं, ये देख लीजिए। तो आप चाहिए फोल्ड करना है, अगर सामान रखना है तो इसे फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से दो हिंजेस दिए गए हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर व्हील की बात करें तो इसमें आपको जो स्पेयर व्हील मिलेगा 14 इंच का मिलेगा, जिसका प्रोफाइल है 185/70R14, और ये पूरा का पूरा स्टील है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं पीछे, और क्या कर सकते हैं क्या करवा सकते हैं वो भी बता देता हूं। तो यहां पर आप अपना पार्सल ट्रे लगवा सकते हैं, उसके लिए जगह छोड़ी गई है, और इस गाड़ी को अपने अंदाज में जैसा आपको पसंद है वैसा करवा सकते हैं, और ऐसा करवाने में आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आप जो कीमत इसके लिए पे कर रहे हैं वो बहुत ही जस्टिफाइड है। तो दोस्तों आइए अब आपको लिए चलता हूं कहां, रियर सीट पर, और दिखाता हूं कि रियर सीट पर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आइए बैठते हैं रियर सीट पर।
तो दोस्तों 6,79,900 रुपये एक शोरूम कीमत वाली ये गाड़ी आपको क्यों खुश करेगी, ये तब पता चलेगा जब इसे रियर सीट पर आओगे। रियर सीट पर क्या क्या मिल जाता है ये देखिए, एसी वेंट मिल गया, स्टैंडर्ड मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा ह्यूंडई को, क्योंकि उसने बेस में वो सब कुछ दे दिया है जो आपको कई बार टॉप वेंट में मिला करता था। और यहीं पर आपको ये मोबाइल चार्जर भी दे दिया गया, यही सब कुछ आपको मिलता है टॉप वेरिएंट में, पर्स वगैरह यहाँ रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं बोलना चाहूँ, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स पे बोला था कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, तो उनके लिए बोला था जिनको बहुत सारे फीचर्स चाहिए होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बोलना होगा तो मैं इस मैग्ना को बोलूंगा, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्या क्या और मिलेगा, सीटिंग कंफर्ट अच्छा मिलने वाला है, यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, ये बेस वेरिएंट है तो उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं तो ये मिस हो जाएगा, लेकिन कुशनिंग बहुत अच्छी है। अगर मैं बैठा हूँ आप देख सकते हैं मेरे पैर पर कितनी जगह यहाँ पर लेग रूम मिल जाता है। बोतल रख सकते हैं यहाँ पर, दोनों दरवाजे पर ठीक ठाक जगह दे दी गई है। और चार स्पीकर इसमें मिलते हैं, दो आगे मिल जाएंगे दो पीछे मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें एक स्टैंडर्ड म्यूजिक सिस्टम भी लगाया गया है, वो दिखाऊंगा जब आगे चलूंगा। आप अपनी गाड़ी को जब खोलना, इस शीशे को ऊपर नीचे करना है तो किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो ह्यूंडई ने अपनी इस रियर सीट पर यहीं पर आपको दे दिया है एक्सेस करने के लिए पावर विंडो, जो कि आप इस बटन से, पावर बटन से एक्सेस कर सकते हैं इस विंडो को। तो चारों विंडो पे आपको पावर विंडो मिल जाता है, आपको ये सब मेहनत करने की जरूरत नहीं कि ऊपर चढ़ाना है और नीचे करना है। तो ये सारी चीज़ें देखकर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पर हैंडल भी मिल जाता है और यहाँ पर लाइट भी मिल जाती है जो कि आपको टॉप वेरिएंट में मिलती है। तो सब कुछ एक तरह से बोलूँ मिल गया तो गलत नहीं होगा। अब आपको ले चलता हूँ फ्रंट सीट पर, दिखाता हूँ क्या क्या वहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों आइए ले चलता हूँ आपको इसके अंदर, और मैं पहले बैठने से पहले दिखा देता हूँ इस दरवाजे पर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो चारों आपको पावर विंडो के बटन यहीं पर दे दिए गए, गाड़ी को लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हैं। और ये बेस वेरिएंट है, ध्यान रखिएगा, बस इस मिरर को आप फोल्ड नहीं कर सकते, हाथ से करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं, अगर आपको लेफ्ट एडजस्ट करना है तो इलेक्ट्रिकली यहाँ से कर सकते हैं। और बहुत कम बेस वेरिएंट पर ऐसा देखने को मिलता है कि सारी चीज़ें वहाँ पर दे दी जाती है, तो यहीं से आप ORVM को दोनों एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, तो ये अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब मैं इसमें बैठ गया हूँ और इसकी चाबी भी दिखा देता हूँ, इसकी चाबी पर कुछ बटन दिए गए हैं, ये देखिए चाबी ह्यूंडई वाला अंदाज में ही दिया गया है, इसमें लॉक अनलॉक होल्ड ये सब कुछ यहाँ पर मिल गया है। और लेकिन इसमें से निकलेगी आपकी चाबी, जब स्टार्ट करना है तो यहाँ लगा दीजिए, आप स्टार्ट कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको इसका MID दिखाऊंगा, इसके बाद पूरी की पूरी गाड़ी एक्सेस करके बताने वाला हूँ। तो जब आप इस गाड़ी को देखोगे, मैं पन्नी हटा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देखिए थोड़ा सा इसमें आपको चेंज मिलने वाला है, क्योंकि जो इसके टॉप वेरिएंट में मिलता है वो डिजिटल मिलता है, लेकिन यहाँ पर एनालॉग मिल जाता है, लेकिन इसका अंदाज अच्छा मिलने वाला है। मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आपको MID पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और यहीं से आप अपने स्टीयरिंग व्हील से इसे एक्सेस कर सकते हैं। आप देखिए मैं यहाँ से एक्सेस करूँगा और सारा का सारा इस पर इन्फॉर्मेशन MID पर आता रहेगा, तो पूरी की पूरी रीसेट वगैरह का पूरा बटन यहीं पर MID पर मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील वही मिलता है जो आपको स्पोर्ट वेरिएंट में मिल जाता है, तो इसका ग्रिप अच्छा रहेगा और आपको अच्छा लगने वाला है इसमें। और इसी पर आपको ऑडियो माउंटेड कंट्रोल दे दिया गया है। बेस वेरिएंट में अमूमन इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन ये वेरिएंट सच में बहुत ही खास है, जिसमें आपको ऑडियो माउंटेड कंट्रोल इसी पर मिल जाता है, स्टीयरिंग व्हील पर। और ये रहा पूरा अंदाज, अगर आप देखना चाहें तो 4-spoke स्टीयरिंग व्हील इसमें दी गई है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो कि बेस वेरिएंट में आपको अभी तक कहीं नहीं मिला है और इस i20 मैग्ना में मिल रहा है। क्या है, तो आप इस स्टीयरिंग व्हील को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जी नहीं ऊपर नीचे तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप ये आपको टेलीस्कोपिक इसमें मिल जाता है। मुझे लगता है इस सेगमेंट में पहली बार ऐसा कंपनी ने किया है और ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। तो ये इसका म्यूजिक सिस्टम है, अगर इसमें म्यूजिक सिस्टम दे दिया गया समझ लीजिए वो सब कुछ दे दिया है कंपनी ने। अगर आपको चाहिए कि भैया आपके पास टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होना चाहिए तो आप ना लगवा लीजिएगा, नहीं तो इसे काम चलाइए। ये देखिए बेस वेरिएंट में दे दिया गया है और चार स्पीकर के साथ आता है, आप अपना FM फोन सब कुछ इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और बटन वगैरह वही देने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर जो AC का पैनल है, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है, मैनुअली आपको एडजस्ट करना है, यहाँ पर दे दिया गया, लेकिन इसका अंदाज बहुत अच्छा है। यही आपको स्पोर्ट्स में मिलता है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, और ये बहुत अच्छी चीज़ें इसमें ऑफर करती हैं। साथ ही बहुत कुछ आप लगवा सकते हैं, जो आप चाहें कि भैया ये पसंद नहीं है तो अपने हिसाब से करवा लो। और यहाँ पर आपको USB पोर्ट मिल जाएगा, आप अपना फ़ोन लगा सकते हैं कनेक्ट करने के लिए, गाने बजाने के लिए, या फिर USB कनेक्ट कर सकते हैं गाना वाना सुनने के लिए। और ये 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर एक मिलेगा ये
फाइव स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियर बॉक्स, और यहाँ पर सामने आपको जगह मिल जाएगी सामान वामान रखने का, रखना चाहते हैं तो। और यहाँ पर भी आपको सामान रखने की जगह मिल जाती है, ये देख लीजिए दो कप होल्डर दे दिए गए हैं। और थोड़ा सा आप पीछे आएंगे जो आर्मरेस्ट का काम कर रहा है, आप ध्यान से देखिए जो आर्मरेस्ट वाला ये पोजीशन मिलेगा, इसके अंदर भी आपको सामान रखने की जगह मिल जाएगी। और ये सब कुछ आपको टॉप वेरिएंट में भी मिलता है, तो ये आप अंदाजा इसे लगा सकते हैं कि बेस वेरिएंट में बहुत ज़्यादा काम कर दिया है ह्यूंडई ने। और साथ में क्या मिलेगा, ये एक बड़ा सा कंपार्टमेंट मिल जाएगा, और ये यहाँ पर आप सामान ढेर सारा रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस कितनी गहराई इसकी दी गई है। आप एक कंफर्ट और दिखाता हूँ जो आपको अच्छा लगेगा। तो इसका ये आपको एसी वेंट एक फ्लो के साथ यहाँ से शुरू होता है, और एक दो तीन चार, मतलब आपको चार वेंट मिलते हैं, लेकिन एक थीम के साथ आपको मिलेगा, ये अच्छा लगने वाला है। और साथ ही इस बेस वेरिएंट में सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है, तो यहीं पर आपको एक एयरबैग यहाँ मिल जाता है और एक एयरबैग यहाँ पर मिल जाता है, तो ये भी चीज़ आपको अच्छी लगेगी। दरवाजे पर आपको सामान पानी रखने की जगह मिल जाती है, पानी की बोतल वगैरह रख सकते हैं। और क्या चीज़ें मिलेगी यहाँ पर आपको, पूरा का पूरा जो पैनल ये मिल रहा है ये वही है जो आपको स्पोर्ट वेरिएंट में मैंने दिखाया था, तो यहाँ से लाइट वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको दिखा देता हूँ कि वैनिटी मिरर मिलता है, जी हाँ इस पे आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप चेहरा देख सकते हैं जो अगर बगल में आपका बैठा हुआ यात्री अपने आप को निहारना चाहता है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी, ये मुझे पता था और यहाँ पर नहीं दी गई है। इसके आप इसकी बात करेंगे रियर व्यू मिरर की, तो इसे आपको एडजस्ट मैनुअली करना है, इस तरीके से यहाँ पर बटन दे दिया गया है, एक हैंडल यहाँ पर मिल जाता है। और साथ ही अगर इसके सीट की कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर कुशनिंग मुझे अच्छी मिल रही है सीट पर, लेकिन जो रियर मतलब आपके साइड में जो पैसेंजर बैठा होगा वहाँ पर देख सकते हैं उसकी सीट, एक अच्छी सीट मिलेगी। और यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं, मतलब ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए ये व्यवस्था यहाँ पर दे दी गई है। दोस्तों एक चीज़ में नहीं मिलेगी और हो सकता है आपको खल जाए, तो आपको सीट एडजस्टेबल की व्यवस्था नहीं मिलती है, तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ आगे पीछे कर सकते हो और इसको यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, जो कि सभी गाड़ियों में होता है, ना दिखाऊं तब भी चलेगा, लेकिन आदत है कुछ ज़्यादा दिखाने की तो मैंने आपको दिखा दिया। तो इस बेस वेरिएंट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। और अब इसको क्लोज करें, सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ इसका इंजन, क्योंकि इंजन देखना जरूरी है, और यहीं से पहले एक्सेस करूँगा कि खोलना कहाँ से उसे। तो ये देखिए ये बटन यहाँ पर दिया गया है, ये दबा दीजिए ये खुल जाएगा। और एक चीज़ का जिक्र करना रह गया था वो भी बता देता हूँ, तो जब गाड़ी अनलॉक रहेगी तो इसका फ्यूल टैंक अपने आप एक्सेस हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्यूल टैंक के लिए आपको कोई बटन नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ दबाना है, जाके क्या करिएगा पेट्रोल पंप पे खड़े होइएगा और चाबी से गाड़ी अनलॉक कर दीजिए, यहाँ से अनलॉक कर दीजिएगा अपने आप वो फ्यूल टैंक ओपन हो जाएगा और वो पेट्रोल पंप वाला एक्सेस करके पेट्रोल भर देगा। चलिए आपको ले चलता हूँ अब इंजन की तरफ, और वहीं पर बताऊँगा इसका टैंक साइज कितना है, क्योंकि टैंक साइज बताना भूल गया हूँ अब तक मैं। तो दोस्तों आइए आपको खोल कर दिखा देता हूँ इसका इंजन, और ये बोनेट में ओपन कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ इस पर इंजन कौन सा मिलता है, क्योंकि ये इंजन कापा इंजन है, मुझे पता है ह्यूंडई का ट्राई एंड ट्रस्टेड इंजन है, फोर सिलेंडर इंजन है, और ये देता है 83 पीएस की शक्ति और 117 एनएम का टॉर्क, और ये बहुत अच्छे अंदाज में इसकी पैकेजिंग आपको देखने मिलेगी, और यही आपको सब कुछ देखने को मिलता है इसके स्पोर्ट्स में। अगर आपने देखा होगा मेरा वाला वीडियो, आई बटन पे दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ यहीं पर कि अगर इसका टैंक साइज जानना चाहते हैं तो 37 लीटर का है, तो मतलब 37 लीटर इसमें फ्यूल डलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था ह्यूंडई i20 जो कि थर्ड जन वाली है इसका बेस वेरिएंट, और मैंने बताया आपको दिखाया कि ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है, क्यों है इसका भी जिक्र किया। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर मुझसे कुछ रह गया है तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर चलिए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dv, सवाल करिए सारे जवाब ले जाइए।